Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. दोस्तों अभी हम आए हैं रामनगर के बिराजपुर और काफ़ी अच्छी जगह है। बाकी यहाँ की मतलब ये घूमने जगह, यहाँ पर काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों यहाँ से जो प्यारा व्यू है ना वो इस जगह से है। अगर आप आते हैं तो ये देखो, यहाँ से पूरा बिराज नज़र आएगा आपको, यहाँ से लेकर वहाँ तक। और इधर ये पार्किंग है देखो, सारी की सारी इधर ये देखो। तो यहाँ पर जैसे लोग ना रेस्ट करने के लिए ही अधिकतर आते हैं, मेरे पीछे आपको देखने को मिल रहे होंगे। काफ़ी अच्छी पार्किंग है। और इस साइड में जो है आपको बिराज के इस साइड में पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो ये नैनीताल की ओर जाते हुए रास्ता है, तो वहाँ से अगर आप यहाँ से नैनीताल के लिए निकलते हैं तो ये सामने रास्ता जा रहा है, ये वाला रास्ता है। और जिम कार्बेट के लिए जो जा रहा है वो ये सामने रास्ता है, यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। जो सीढ़ियाँ में उसके पार से रास्ता जिम कार्बेट के लिए। तो अगर आप रामनगर के आगे जिम कार्बेट का एडवेंचर लेना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। और बाकी यहाँ से बिराज में लोग नहाने के लिए आते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो बैक कैमरे से दिखाना पड़ेगा, तो मैं पहले बैक कैमरा कर लेता हूँ। तो ये देखो, बैक कैमरे से आप पूरी नदी का व्यू ले सकते हैं। यहाँ पे लोग काफ़ी सारे लोग नहा भी रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, जूम कैमरा कर लेता हूँ। अभी कुछ लोग ये पड़े हैं, कुछ आगे देखो, वहाँ बहुत सारे लोग नहा रहे हैं। तो अगर आप जाते हैं नैनीताल और जिम कार्बेट जाते हैं तो नहाने की बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर। मैंने पहले ही व्लॉग बना रखे हैं भाई, कुछ व्लॉग में आपको ये भी दिखा रहा हूँ। ये जो बैराज के बराबर से जगह है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे आप विजिट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे एडवेंचर जो हो झूला, और यहाँ बराबर में टॉयलेट भी है, ठीक है, तो यूज में काम आ सकती है। यार हो जाता कई बार भाई बैराज से आके दिक्कत हो सकती है इंसान को, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन अगर आप आते हैं तो इसको शायद टिकट है, और यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी है, तो आप यहाँ पे आके रेस्टोरेंट का मज़ा भी ले सकते हैं। बाकी काफ़ी अच्छी पार्किंग बना रखी है इन लोगों ने, लेकिन ये पेड है, यहाँ पर आपको टिकट लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगर आप फ़ोटो के शौकीन हैं तो आप काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटो यहाँ पे निकाल सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा कैमरा है तो। तो दोस्तों फाइनली हम जो हैं बिराज से निकल रहे हैं। तो ये रास्ता जाता है अपना गर्जिया की साइड, जो कि हमने पीछे अभी ब्लॉग बनाया था, उस साइड से हम इस साइड से आए थे। और यहाँ से हम बिराज पुल से होते हुए निकलते हैं। तो ये बिराज का पुल है जो अभी आप देख रहे हैं, यही मेन पुल है जो कि रामनगर के जो है डैम बिराज से फेमस है। और इधर कोसी का व्यू देखो, खाली जगह है। तो अभी सूख गई है कोसी काफ़ी, पानी इस साल पता नहीं पानी नहीं बरसा क्या, पहले मैंने कभी इतनी सूखी भी नहीं देखी है, बिल्कुल इस टाइम तो बिल्कुल खाली है। और यहाँ से अभी हम निकलेंगे तो ये हमारा जाएगा नैनीताल वाली साइड को रास्ता जा रहा है, ये वाला जो रोड है। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बता देना यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, और हम थक गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने आज ना 3-4 जगह विजिट की जिसमें से अलग अलग ब्लॉग शूट किए हैं, वो आप देखना सारे के सारे, और बताना क्या कमी है या क्या ठीक लगा आपको, सारा कुछ आप जो है डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के ज़रिए। तो कमेंट आपके लिए इसलिए बनाया गया, अगर इसको कमेंट किया करो तो सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं भी आई ना तब भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप कमेंट में बताओगे आपको क्या बुरा लगा या क्या सही नहीं था, वो मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। बाकी अब जो है गाँव के ब्लॉग शूट करेंगे हम, या कुछ लंबा टारगेट प्लान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते, सब्सक्राइब भी नहीं मिल रहे, तो बस इसलिए पोस्टपोन कर रहा है फिलहाल। अगर कुछ चैनल को रिच मिली तो कुछ लंबा प्लान भी करेंगे। तो आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ को सब्सक्राइब कर देना। अपना ख्याल रखें, जय हिंद।